बांस के सूप से ही भगवान भास्कर को अर्घ दिया जाता है। ऐसे में बांस के सूप की डिमांड छठ में बढ़ जाती है। कोडरमा के झुमरी तलैया के असानाबाद में तुरी समुदाय के 30 ऐसे परिवार हैं, जो बांस के बने सूप और दौरा तैयार करते हैं। छठ के मद्देनजर तुरी परिवार के लोग दिन रात एक कर डिमांड को पूरा करने में लगे हुए हैं, लेकिन ग्राहक हैं कि इन्हें इनकी मेहनत और लागत के मुताबिक कीमत नहीं देना चाहते, जिससे इनकी आमदनी पर असर पड़ा है। बांस खरीद कर लाते हैं तो बड़ा महंगा मिलता है, सस्ता भी नहीं मिलता हम लोग के, तो कमाते हैं तो बेचते हैं तो थोड़ा कम में दाम में मिल जाता है, तो भी हम लोग बेच लेते हैं। ये हम लोग के बेसी दाम नहीं मिलता है, इसमें बेसी दाम मिलता तो हम लोग भी फायदा होता। मतलब सालों भर इसी में आप लोग लगे रहते हैं? हम लोग इसी यही काम में हैं हम लोग। अभी काती के बनाते हैं, बाकी अंदिनवा क्या बनाते हैं? अंदिनवा भी यही बनाते हैं। आमदनी क्या होगा सर, मेहनत बहुत है, मगर बोलते हैं ना कि खाने जीने पर अपना होता है, यार क्या होगा, कुछ नहीं इससे होता। कितना डिमांड बढ़ा है अभी छठ के मौके पर? छठ ने अभी 100 रुपया बोल रहा है। 100 रुपया सूप? हाँ। दौरा? दौरा 400-500। 100 रुपये में बिक पाता है कि जो लोग आता है क्या कहता है? वो बोलता है कि बहुत दाम है, इतना दाम नहीं देंगे। पहले इन कारीगरों को जंगल से आसानी से बांस मिल जाया करता था, लेकिन अब बांस भी इन्हें खरीद कर लाना पड़ता है। इसके अलावा पीतल और कांसा के बने सूप भी इसके विकल्प के रूप में बाजारों में आ गए हैं, जिसके कारण बांस से बने सूप दौरे की थोड़ी डिमांड कम हो गई है। इन परिवारों का मानना है कि अगर इनकी बेहतर आमदनी हो तो उनके जीवन स्तर में भी सुधार होगा। अभी तो पहले तो बढ़िया चलता था, अभी थोड़ा खासा उसाद मिले लेता तो जरा काम चल रहा है। और जो बांस वाला जो है ना, हम लोग की प्रकृति है, जाली नहीं चढ़ावा चढ़ेगा तब सुधे नहीं होता है। कितने दिन से छठ के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं? हाँ, हम लोग करीब महीना जो कार्तिक हेलता है ना, तो महीना दिन से हम लोग को चालू करते हैं। आमदनी हो पाता है ना? पहले तेरे नहीं उतना होता है। ऊपर दौरी तैयार करने में तो दिन भर लग जाता है सर, उतना मेहनत कर पाते हैं तो उसका कितना मेहनत है उसमें? बहुत मेहनत है। क्या क्या करना पड़ता है उसमें? सबसे शुरुआत कैसे करते हैं? शुरुआत करते हैं, पहले उसको उचारते हैं, तकर बाद छलते हैं उसको, फिर ऐसे बिनते हैं मेहनत से। हालांकि आस्था के महापर्व छठ को प्राकृतिक पर्व के तौर पर मनाया जाता है, इस पर्व में बांस के बने सूप और डाला का विशेष महत्व होता है, लेकिन अब छठ और अन्य पूजा और धार्मिक अनुष्ठानों में भी लोग परंपरागत सूप और बांस से बनी अन्य सामग्री का इस्तेमाल कम कर रहे हैं। बांस का बर्तन बनाने वाला का संख्या 30 घर है और इसी पर निर्भर है लगभग लोग। पहले जंगल में बांस मिलता था, अब जंगल से बांस मिलता नहीं है तो देहात से खरीद के लोग लाते हैं। और महंगा त्यौहार में जो है सो अब तो पीतल और कांसा का भी सूप चलने लगा है, तो उस परिस्थिति में जो है सो सूप का डिमांड लोग कम कर देता है। लेकिन सूप जो है सो प्राकृतिक रूप से बहुत ही शुद्ध है और इसमें जो त्यौहार करता है उससे जो है सो पर्व का असली समझ लोगों को आता है और आशीर्वाद भी मिलता है। समय के साथ हर क्षेत्र में बदलाव हुआ है, ऐसे में बांस की बनी पूजन सामग्री की उपयोगिता पर भी बदलाव का असर दिख रहा है। कारीगरों की आमदनी तो दूर की बात है, लागत भी इसकी बमुश्किल निकल पा रही है। फिर भी तुरी समाज अपने पुश्तैनी व्यवसाय को जीवित रखे हुए है। कोडरमा से संवाददाता भोला शंकर सिंह की रिपोर्ट।